अरे तू जा रही। हेलो फ्रेंड, कैसे सब आप लोग? वेलकम टू ग्रैनी 3। सो गाइस, आज हम ग्रैनी के घर से ब्रिज एस्केप करने वाले, मगर ग्रैनी, ग्रैंडपा और स्लेंडरिना के होते हुए ये काम इतना आसान कैसे हो सकता है? मगर फिर भी आज हम ब्रिज एस्केप जरूर करेंगे। सो गाइस, ज्यादा देरी ना करते हुए लेट्स प्ले दिस गेम। ऑल राइट गाइज, ग्रैनी ग्रैंडपा के घर में हमारा पहला दिन शुरू हो चुका है और वही फॉर्मेलिटी, लॉकपिक को उठाओ और घर के अंदर के सारे बंद दरवाजे को खोल लो। इस दरवाजे को भी मैं लॉकपिक के जरिए खोल लूँगा। अभी मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। ग्रैनी ग्रैंडपा ने अपने ब्रिज एस्केप का सामान कहाँ पर छुपाया होगा, मैं इसके ढूंढने के लिए काफ़ी बेकरार हूँ। सो गाइज, इस स्केल्टन वाले भाई साहब के पास सिलेंडरना का टेडी पड़ा हुआ है, इसको हम खोल लेंगे। सो गाइस, टेडी को हमें उस पालने में रखना पड़ेगा, तभी सिलेंडरना का खतरा गायब होगा। मगर गाइस वेट, टेडी को हमने हाथ नहीं लगाना है। टेडी को हम हाथ लगाएंगे तो ग्रैनी ग्रैंडपा पागलों की तरह हमारे पीछे पड़ सकते हैं। इसे अच्छा है हमें अब दूसरा सामान ढूंढना चाहिए। ग्रैनी ग्रैंडपा से शुरुआत में उलझना अच्छी बात नहीं है। अभी मैं जल्दी से यहाँ से निकल लेता हूँ। ये रास्ता काफ़ी डेंजरस है क्योंकि ग्रैनी ग्रैंडपा यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। सो गाइस, ये दरवाज़ा मुझे खुला दिख रहा, शायद ग्रैनी ग्रैंडपा यहाँ पर आए थे। इसको भी मैं बंद कर लूँगा। यहाँ पर बहुत सारे अलमारी और कबर्ड है जिसको हम चेक कर लेंगे। इसको मैंने चेक कर लिया, इसके अंदर कोई नहीं। इस ड्रॉअर को चेक करेंगे और गाइज, मुझे वेपन की मिल चुकी है। शुरुआत में ही हमें वेपन की मिल गई, ये बहुत ही अच्छी बात है। अभी ग्रैनी ग्रैंडपा की खैर नहीं। इस अलमारी को मैं चेक कर लूँगा। सो गाइज, अभी मैं बाहर जाने वाला हूँ, मुझे पहले स्टोन पिक करना है। ओ गाइज, सिलेंडर ना, अरे पगलेट क्यों परेशान कर रही है? ये पूरे गेम में ऐसे ही हमें डराने वाली है। सो गाइज, मुझे फिलहाल स्टोन कहीं नहीं दिख रहा। अभी मुझे सामने ग्रैनी ग्रैंडपा की कार दिख रही है, खटारा कार। सो गाइज, इसमें एमओ पड़ी हुई है और इस डिक्की को मैं खोल लूँगा। यहाँ पर तो कोई नहीं है। इस स्टोन को मैं उठा लूँगा, एक ही स्टोन काफ़ी है। हमें सिर्फ ग्रैंडपा को सुलाना है। उसकी शॉटगन हमारे हाथ में आ गई तो फिर मजे ही मजे। सो गाइज, लिफ्ट के जरिए मैं सेकंड फ्लोर पर जाऊँगा। ग्रैंडपा का कमरा सेकंड फ्लोर पर है। अभी लिफ्ट चालू हुई है, काफ़ी स्लो तरीके से काम करती है ग्रैनी ग्रैंडपा की लिफ्ट, बिल्कुल वो भी बूढ़ी हो चुकी है ग्रैनी ग्रैंडपा की तरह। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ। अभी धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। ग्रैनी ग्रैंडपा कहाँ हो आप? अभी हम आ चुके हैं और ग्रैंडपा मुझे दिखता हुआ वो वही कमरे में जा रहा है जिसके अंदर हमारा वेपन है। ग्रैंडपा प्लीज़ दूसरे कमरे में चले जाओ। ओ गाइस, ग्रैंडपा सो चुका है, ये काफ़ी अच्छी बात है। अभी ग्रैंडपा तुम परमानेंटली सो जाओ। सो गाइज, अभी मुझे ग्रैनी को देखना है। यहाँ पर मैंने गोली चलाई है ना, इसलिए वो यहाँ पर आएगी। ओ गाइज, आ चुकी है। आ जा बुढ़िया, ले मर तू भी। ओ गाइज, मैं एमो लोड करना भूल गया। शिट भाई, अभी बाल बाल बचा मैं। ग्रैनी को मारने की खुशी में मैं इतना भी नहीं समझ में आया कि मैं एमो ही लोड करना भूल गया। आ जा ग्रैनी, कोई बात नहीं, मैं इसको लोड कर लेता हूँ। अभी तो 100% मरेगी बुढ़िया, ले हो जा अभी 9:11। सो गाइज, इसको मैं लोड कर लूँगा। अभी चलते हैं, अपने वेपन को निकाल दे। ग्रैनी ग्रैंडपा का अभी फिलहाल कोई खतरा नहीं है। ग्रैनी ग्रैंडपा अभी आउट हो चुके हैं। सो गाइज, इधर मैंने वेपन की को डाउन किया था, इसको मैं उठा लूँगा। अपने स्लिंग शॉट को निकाल लेते हैं, मैंने घुमा दीचा अभी। अभी निकल जा। सो गाइज, अभी चलते हैं हम, नहीं ऊपर के कमरे को हमें चेक कर लेना है, पता नहीं वहाँ पर भी हमें कुछ काम की चीज़ मिल जाए। सो गाइज, इसको मैं खोल लेता हूँ। अभी पीछे मेरे तरफ ड्रॉअर है, इसको मैं चेक कर लूँगा। यहाँ पर कॉइन पड़ा हुआ है, ये हमें शायद ट्रेन एस्केप के लिए काम आएगा। सो फ्रेंड, अब हम आ चुके हैं नीचे की तरफ। गाइज, मैं स्लिंग शॉट को नीचे की तरफ ड्रॉप कर दूँगा लिफ्ट के ज़रिए और शॉर्ट गन को लेके चलते सीधा ऊपर। ऊपर क्रो बैठा हुआ है, उसके पास भी तो कोई सामान है और हमें वो आसानी से उठा नहीं देगा। पहले हम उसको भी 9:11 करना पड़ेगा, ठीक ग्रैनी ग्रैंडपा की तरह। मैं इसको उठा लेता हूँ, इसके अंदर एक एमओ सिलेंडर है ना। ओ गाइस, अभी मैं काफ़ी डर गया था, मुझे लगा कि ग्रैनी मेरे पीछे खड़ी है। चल हट सिलेंडर ना, शैतान की गुड़िया। सो गाइस, इस एमओ को लोड कर लेंगे, इस ड्रॉअर को चेक कर लेंगे, इसके अंदर भी कोई नहीं है। सो गाइस, अभी चलते क्रो भाई साहब के पास, देखते क्या कुछ मिल सकता है वहाँ। सो फ्रेंड, ये सीढ़ियाँ चढ़ना भी काफ़ी मुश्किल काम है, बिल्कुल सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियाँ बनाई है ग्रैनी ग्रैंडपा ने। अभी हम आ चुके हैं छत की ओर। क्रो भाई साहब कहाँ पर है वो देखो, बिल्कुल सामने बैठे है भाई साहब। अभी उठ भी जाओ वरना गोली खाओगे, नहीं मानोगे तो ये लो फिर।
सो गाइस यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्विच पड़ा हुआ है जो ट्रेन स्किप के लिए लगेगा। यहाँ से जंप मार के मैं फिलहाल नीचे की ओर चला जाता हूँ और अब हम लिफ्ट से जाएंगे सीधा नीचे की ओर। मैंने अपना स्लिंग शॉट नीचे ही ड्रॉप किया था। लिफ्ट काफ़ी स्लोली काम कर रही है। अभी मुझे ऊपर से दो वॉसेस निकालने पड़ेंगे और वो काम में काफ़ी देरी लग सकती है। अभी हम नीचे आ चुके, मेरा स्लिंग शॉट यहाँ पर तो नहीं है, इसके अंदर मैं एमो लोड कर लेता हूँ। सामने का जो ड्रॉवर है गाइज उसको मैंने चेक नहीं किया था, इसको पहले चेक कर लेंगे, काफ़ी संभल कर बढ़ेंगे। और ग्रैंड बाहर आए भाई साहब, तेरे को भी चेन नहीं है, मेरे को ढूंढ नहीं लेते हो तुम लोग। सो गाइज इस ड्रॉवर को चेक कर लेते, ग्रैनी भी आएगी ग्रैंड पा के पीछे। सो गाइज ग्रैनी भी आ गई, इस बुढ़िया पे एकदम मत्थे पे गोली चलाऊंगा मैं। ले बुढ़िया, काफ़ी घटिया तरीके से तुम मेरा पीछा कर दो। सो गाइज इस ड्रॉवर को चेक कर लूँगा, ये लास्ट कमरा है जो मैंने चेक नहीं किया, इसको भी हम देख लेंगे। ये शायद मेरी छुपने की जगह है, कोई बात नहीं, फिर से चलेंगे ऊपर, क्योंकि जो मेरा स्लिंग शॉट है वो लिफ्ट के नीचे दब गया होगा, अभी वो सीधा टेबल पर मिलेगा। ये ग्रैनी का पियानो, अभी चलते आगे। स्लेंडरीना फिर से आ गई मेरे को तंग करने। सो फ्रेंड अभी ये शायद डोर लॉक्ड है, ये लॉक पिक से खुलेगा। ये मैं स्लिंग शॉट उठा लेता हूँ, अभी जाएंगे सीधा थर्ड फ्लोर की ओर। वहाँ पर एक वॉश गिरा हुआ है, इसको पहले हम नीचे उतार लेंगे। लिफ्ट भी ऊपर की ओर हमें ले जा रही है, लिफ्ट काफ़ी अच्छे हमारा सपोर्ट कर रही है हमें ग्रैनी के घर से ब्रिज एस्केप करने के लिए। सो गाइस काफ़ी देरी लगा रही है लिफ्ट, हम आ चुके ऊपर, इसको मैं पहले नीचे गिरा लेता हूँ। का अच्छी जगह पर गिरना भाई, वरना फिर से दिमाग मारी होगी। सो गाइस इस बॉस को मैं उठा लेता हूँ और इसे ग्राउंड फ्लोर पर मैं ड्रॉप कर दूँगा लिफ्ट के ज़रिए। इसको मैं यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। गाइस मुझे और स्टोन कलेक्ट कर लेने चाहिए, मैंने सिर्फ एक ही स्टोन कलेक्ट किया। शिट यार, मैंने ये गलती कैसे की। सो फ्रेंड इस एमओ को मैं लोड कर लेता हूँ, अभी हम चलते बाहर, देखते स्टोन हमें कहाँ मिल सकते। यहाँ पर स्टोन नहीं दिख रहे, और एक मिल चुका है। ओके फ्रेंड्स अभी और एक कलेक्ट कर लेते, फिर जाएंगे अंदर। एक वॉश तो हम गिरा चुके, अभी सिर्फ दूसरा बाकी है। इसके अंदर एमओ भी है, इसको भी हम लोड कर लेंगे, ग्रैनी ग्रैंडपा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सो गाइज अभी हम चलेंगे दोबारा से घर के अंदर। दोनों स्टोन हमें कलेक्ट कर लिए, अभी ग्रैनी ना आ जाए रास्ते में। वैसे तो कोई फिकर की बात नहीं है, हमारे पास शॉट गन है। अभी लिफ्ट को दोबारा से नीचे बुला लेंगे। ओ गाइस मुझे बाहर निकलना जाना ही चाहिए, वरना फिर से दब के मर ना जाए। सो गाइस लिफ्ट आने में काफ़ी देरी लग रही है, और ये वॉश भी दोबारा से टेबल की ओर ही पर ही गिरेगा शायद, कोई बात नहीं दोबारा ड्रॉप कर देंगे। काफ़ी देर टाइम जा रहा है गाइस इसके ज़रिए, स्लोली काम चल रहा है अपना। ग्रैनी आ गई है, ले ग्रैनी दोबारा से अपनी शक्ल मत दिखाना। अभी ग्रैंडपा का है, ग्रैंडपा भी तेरे पीछे ही होगा बुढ़िया, तुम बिल्कुल प्लानिंग के तरह मेरा पीछा कर रहे हो। सो गाइस ग्रैंड भी अभी आता हुआ, अभी ले बुढ़िया ले बुढ़े, ये शॉट गन रख तेरे पास, दो मिनट में फिर से लेने आऊँगा, परमानेंट मत लग रहना। सो गाइस इसको मैं उठा लेता हूँ, अब चलेंगे ऊपर की ओर। यहाँ पर ही शायद, हाँ यहाँ से मुझे वास दिख रहा है, इसको मैंने निशाना लगा के नीचे गिरा दिया है। वो दीवार पर गिर चुका है, मेरे से उठाया जाएगा या नहीं, कोई बात नहीं उठा लेंगे। और ये हाँ आ गए हाथ में, अभी चलते हैं इसको भी ड्रॉप कर लेंगे, और पहले ये इसका काम पूरा करेंगे। ये प्रोसेस बहुत ही टाइम लेने वाली है। सो गाइस इसको मैं नीचे ड्रॉप कर देता हूँ, उस दूसरे वाले को भी टेबल पे से पिक कर लेंगे। और स्लेंडरीना बिल्कुल सामने ही आ गई। सो गाइस अभी हम नीचे आ चुके, इसको मैं उठा लेता हूँ और इसके पानी से फिल कर लेते हैं, ताकि इसका वेट हल्का ना हो और वो पिलर आसानी से नीचे दब जाए। सो गाइस काफ़ी दूर दौड़ भाग करनी पड़ रही है, पास में नहीं कमरा। सो गाइस यहाँ पर मुझे प्लैंक भी दिख रहा है, इसको पहले रख देते हैं, ये नीचे जा चुका है। अभी दूसरे वॉसेस को हम ले आते हैं, सिर्फ एक ही बचा है।
सो गाइज अभी लगेगी हमें पैडलॉक की, वो ढूंढनी पड़ेगी। और इस प्लैंक को मैं उस लिफ्ट के पास ही ड्रॉप कर दूंगा, ये दूसरे वास को मैं उठा लेता हूँ और इसको भी वही पानी से फिल कर लेंगे। दोबारा से चलते वही कमरे की ओर। ग्रैनी ग्रैंडपा शायद जाग चुके होंगे, कोई बात नहीं, हमारी शॉट गन स्लिंग शॉट तो है, एक स्टोन हमारे पास बचा है। ग्रैंडपा के सीधा सर पर मारेंगे और दोबारा से शॉट गन छीन लेंगे। अरे भाई ग्रैनी ना आ जाए, ग्रैनी ना आ जाए, ग्रैनी आ चुकी है। शैतान का नाम लिया और शैतान हमारी नज़रों के सामने। मैं अभी पहले चुप जाता हूँ ताकि ग्रैनी हमें ढूंढ ना सके। सो गाइस इसको मैं लगा लेता हूँ। ग्रैनी गई क्या तुम? जा चुकी है। ओके चलो अभी दोबारा से चलते ऊपर की तरफ। अभी कोई टेडी को उठा लेते, इसको पानी में ड्रॉप कर देंगे। सो गाइस मुझे लगता है कोई ना आ रहा है। ओ ग्रैंड पा तो भागो यहाँ से, मरा 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 मरा। अरे अरे बिल्कुल सीधा भाग रहा हूँ मैं। ग्रैंड पा इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इस टेडी को। अभी चलते सीधा ट्रेन की ओर। ये साउंड करके ग्रैनी ग्रैंड पा दोनों को बुला लेगा। मुझे लगता है मुझे इस कमरे में चुप जाना चाहिए, टेलीफोन वाले कमरे की तरफ। और यहाँ पर मुझे कोकोनट मिल चुका है, इसको लेके हम यहाँ पर चुप जाएंगे। मुझे लगता है ग्रैनी ग्रैंडपा दोनों ट्रेन की ओर ही आ चुके। मैं इसको गिरा देता हूँ, साउंड हो जाएगा। ग्रैनी ग्रैंडपा यहाँ पर आएंगे, मगर कोई बात नहीं, वो यहाँ पर नहीं आ सकते। ग्रैनी अभी ट्रैप मत गिराना, वरना नारियल सीधा तेरे सिर पर दे मारूंगा। कोई बात नहीं, ग्रैनी हमसे डर गई। अभी हम चलेंगे सीधा इस कोकोनट को कट कर देंगे और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या कुछ मिल सकता है। इस टेडी को हाथ नहीं लगाएंगे। ग्रैनी ग्रैंडपा बिल्कुल पुलिस की तरह हमारे पीछे पड़ जाती है। सो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ बाहर। ग्रैनी ग्रैंडपा को देख लेंगे, अभी जल्दी से चलेंगे बाहर और इस नारियल को तोड़ डालेंगे। ग्रैनी ग्रैंडपा रुक जाओ, सिर्फ मुझे अपने इस नारियल को यहाँ पर रखने दो। यहाँ पर भी साउंड हो चुका है। ओ गाइस यहाँ पर पैडलॉक की मिल चुकी है, इसको मैं ले जाके अभी देखते हैं वहाँ पर हमें कोई ना कोई चीज़ तो जरूर मिलेगी अपना ब्रिज स्किप करने की। इसको मैं देख देख के आगे बढ़ूँगा। ग्रैनी ग्रैंडपा को हमारे ऊपर शक ना हो जाए। ओ गाइस ग्रैनी आ चुकी है। मुझे लगता है मुझे प्लैंक लगा के पहले उस कमरे में क्या कुछ मिल सकता है वो देख लेना चाहिए। यहाँ पर शोर हो चुका है, अभी हम जाएंगे सीधा ऊपर की तरफ। ये मैं इसको चालू कर लेते हैं। ग्रैनी बिल्कुल रास्ते में मिल गई गाइस, इसी वजह से अपना काम थोड़ा अधूरा रह गया। मतलब कोई बात नहीं, अभी सिर्फ पैडलॉक की को खोलना है और अपना काम हो ही गया समझो। वहाँ से हमें देखते क्या कोई सामान मिल सकता है। सो गाइस अब मैं आ चुका हूँ थर्ड फ्लोर की ओर। अभी मुझे यहाँ से जंप मार दिया टेबल पर। गाइस सीधा चलते हैं अभी अपने सेकंड फ्लोर की ओर, घूम के जाते हैं ताकि ग्रैनी ग्रैंडपा हमें ना देख सके। स्लेंडरीना ये बंदी नहीं सुधरेगी। अभी चलते सीधा ऊपर की तरफ। ग्रैनी तो नीचे है, अभी हमें ऊपर की ओर कोई ख़तरा नहीं। ग्रैंडपा नहीं दिखा मुझे, ग्रैंडपा ना हुआ वहाँ पे। सो गाइस कोई नहीं है, चलो जल्दी जल्दी आगे। अभी इस प्लैंक को मैं यहाँ पर प्लेस कर दूँगा। ये आ चुका हूँ प्लेस। अभी चलते, काफ़ी संभल रहा आगे, काफ़ी पतली सी जगह है, नीचे गिर जाएंगे वरना दोबारा। सो गाइस अभी हम आ चुके इस कमरे में। मुझे यहाँ पर फ्यूज़ मिल चुका है। ओ गाइस ये उस मशीन में हमें लगाना है जिससे हमारा मेन गेट खुल सकता है। सो गाइस अभी मैं फिर से चला जा रहा हूँ और काफ़ी संभल कर बैठते कि गिर ना जाए। और ग्रैनी आ चुके, पीछे चलो। अरे ग्रैनी क्यों मेरा पीछा कर रही है बुढ़िया? ये नहीं जाएगी यहाँ से, मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ, ये मुझे देखती रहेगी पुतले की तरह। सो गाइस फिर से चलेंगे ऊपर की तरफ। ग्रैनी ना मिल जाए, ग्रैनी प्लीज़ मुझे फ्यूज़ लगाने दे, फिर ऊपर के कमरे में सो जा दूँ। सो गाइस इस फ्यूज़ को मैं लगा दूँगा और इस द बटन का ट्रेन अभी भी काम अधूरा है। इलेक्ट्रिक करंट चाहिए तभी वो गेट खुल सकता है, वो मशीन काम कर सकती है। सो गाइस मुझे दोबारा से अब नीचे की तरफ जंप मार देता हूँ। अभी ग्रैंडपा से मुझे कोई खतरा ना हो, मुझे उसे स्टोन मार के फिलहाल सुला देना चाहिए। नहीं, ये पैडलॉक ही उठा ले दे और सीधा चलेंगे अभी उस ताले को खोल देंगे। ग्रैंडपा और ग्रैनी तुम रास्ते में मत मिलना प्लीज़। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं नीचे की तरफ। इस ताले को मैंने खोल दिया है और यहाँ से मुझे शायद जनरेटर केबल मिल चुकी है।
वाह गाइस, ये तो चाहिए था। इसी से ही तो हमारा करंट सप्लाई चालू होगा, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई। और ग्रैंड फिर से आ चुकी है, बढ़िया। इसको थोड़ा सा भी साउंड हो तो वो हमारे पीछे ही पड़ जाती है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर छुप जाऊँगा, सिर्फ दो पल की बात है, फिर हम इस केबल को शेड की चाहिए गाइस, तभी तो हम जनरेटर के अंदर केबल लगा सकते हैं। अभी शेड की हमें सिर्फ ढूंढनी पड़ेगी, ब्रिज क्रैंक भी हमें ढूंढना है शायद। अभी चलते हैं, ग्रैनी जा चुकी है, मेरे गन भी शायद ग्रैंडपा के हाथों में लग चुकी होगी। गन लग जाए ग्रैंडपा के हाथों में तो उससे बुरा बंदा तो कोई नहीं है। अभी शेड की शायद हमारे दाएं तरफ है, इस स्टोन को मैं पिक कर लूँगा। स्लिंग शॉट इस फिलहाल हमारा हथियार है ग्रैनी ग्रैंडपा से लड़ने का। सो फ्रेंड, शेड मेरे सामने की तरफ है, ग्रैनी ग्रैंडपा को भी हमें देखते रहना है। इसको मैं यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ, शेड की लाएंगे फिर इसको लगाएंगे। सो फ्रेंड, अभी चलते अपना स्लिंग शॉट लेने, इसको मैं उठा लेता हूँ। अभी ग्रैनी ग्रैंडपा को देखते हैं। ग्रैनी ग्रैंडपा आ जाओ, निशाने लगाने का कंपटीशन करते, कौन बड़ा निशानेबाज है ग्रैंडपा, अभी आ भी जाओ। कहाँ पर छुपे बैठे हो ग्रैंडपा? अभी ग्रैनी मेरे नज़र के सामने उस कमरे में जा रही है, कोई बात नहीं, ग्रैनी को परेशान नहीं करेंगे। और ग्रैंडपा, अरे लगाओ। ओ गाइस, काफ़ी पास आ गए थे ग्रैंडपा, तभी मैंने अपना स्लिंग शॉट चलाया। अभी ग्रैनी तू भी सो जा, ग्रैंडपा के हाथों से पहले शॉटगन ले लेते। ग्रैंडपा, तुम्हारे हाथों में अच्छी नहीं लगती शॉटगन, तुम वही अपनी छड़ी लेके घूमो, तुम्हारे घुटनों में दर्द होता है। सो गाइस, मैंने अभी इसको लोड कर लूँगा। मुझे शॉटगन की एमओ कहाँ पर मिलेगी, इस कमरे में तो नहीं है। चलते ऊपर की ओर, आगे बढ़ते, यहाँ पर भी तो फिलहाल एमओ नहीं दिख रही है गाइस, नीचे की तरफ ही होगी। अब मैं आ चुका हूँ नीचे की तरफ। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर एक एमओ है, इसको मैं लोड कर लूँगा। अभी चलते दोबारा से आगे की और बढ़ते। मुझे लगता है जो ट्रेन जो डोर लॉक है नीचे का, उसको पहले मुझे खोल लेना है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे और एक एमओ मिल चुकी है। एक तो हमें वो कांच ब्रेक करने के लगेगी, और दूसरा ग्रैनी ग्रैंडपा अगर हमारे रास्ते में आए तो उनको सुलाने में काफ़ी आसानी हो। सो फ्रेंड, मैं नीचे की ओर आ चुका हूँ। टेडी भी, इसको भी हमें रखना है, मगर ग्रैनी ग्रैंडपा हमें संभलने का मौका दे तो तब ना। और इसको मुझे ब्रेक कर देना है, ये मैंने ब्रेक कर दिया। और ब्रिज क्रैंक यहाँ पर है गाइस। ओके, अभी हम ब्रिज क्रैंक को लगा देंगे, तो हमें सिर्फ शेड की ही चाहिए। सो फ्रेंड, इस कमरे में आ चुका हूँ, और ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा, शायद एक क्रोबार से हटाने पर खुलेगा। और यहाँ पर साउंड हो चुका है, ग्रैनी यहाँ पर ज़रूर आएगी। मैं दरवाज़ा खोल कर यहाँ पर छुप जाता हूँ। अभी आ ग्रैनी, अभी कोई डरने की बात नहीं है। अभी मैं यहाँ पर छुप जाता हूँ। क्रोबार ने काफ़ी साउंड कर दिया गाइस, इसी वजह से मुझे यहाँ पर छुपना पड़ा। ओके, अभी ग्रैनी सो जाता दोबारा से। मेरे रास्ते में मत आया कर तू बुढ़िया, वरना तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। ग्रैंडपा नहीं आएगा ना, ग्रैंडपा समझदार हो गया है अभी। सो फ्रेंड, अभी मैं पहले अपने इस क्रोबार को उठा लेता हूँ। नहीं नहीं, जान दो गाइस, पहले हम ब्रिज क्रैंक को लगा लेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बाद में देखेंगे उस बॉक्सेस के अंदर क्या है। सो फ्रेंड, इसको मैं उठाकर मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ। ग्रैंडपा, अब तू ना मिल भैया प्लीज़, हम मुझे सिर्फ एक ब्रिज क्रैंक लगाने दे। कोई बात नहीं, ग्रैंडपा तो फिलहाल हमारे आगे पीछे कहीं नहीं दिख रहा। सो गाइज, अभी हम बाहर चलेंगे, इसे जल्दी से लेके लगा देंगे और ब्रिज को लिटा देंगे। सो गाइज, इसको मैंने लगा दिया, अभी घूम जा। अरे स्लेंडरी ना तो फिर से आ गई तकलीफ देने, ये बंदी सिर्फ हमें हार्ट अटैक देने के लिए इस गेम में लाई हुई है। सो फ्रेंड, अभी मैं चलूँगा दोबारा से नीचे की ओर। मुझे अभी टेडी रख देना चाहिए शायद, ग्रैनी तो आउट है, ग्रैंडपा क्या कर लेगा। ग्रैंडपा तू मत आना भैया, ये टेडी लेके जाना मतलब बहुत ही ऐसा लगता है बॉम्ब किसी ने हमारे हाथ में दे दिया हो। सो गाइस, ग्रैंडपा, अरे ग्रैंडपा तो आ, भागो भागो, इस टेडी को यहाँ पे फेंक देता हूँ मैं और छुप जाता हूँ। ग्रैंडपा मुझे इतनी आसानी से टेडी ले नहीं जाने देंगे, मुझे लगता है इनको गोली मार के सुलाना पड़ेगा, तभी ये मुझे टेडी ले जा सकेंगे। ये मैं शॉटगन उठा लेता हूँ,
अभी मिस के अंदर फिलहाल एमओ नहीं है। मैंने काफ़ी बार ग्रैनी ग्रैंडपा को मार दिया है, मगर कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ अपनी एमओ लोड करनी पड़ेगी। शायद कार के अंदर एक एमओ गिरी हुई है, इसको मैं लोड कर लेता हूँ। ग्रैनी भी जाग चुकी होंगी, मुझे दो एमओ चाहिए थी, मगर कोई बात नहीं, फिलहाल एक को तो सुला देता हूँ, फिर एक से निपट लेंगे। ग्रैनी आ चुकी है, ले बुढ़िया ग्रैंड पा। ओके गाइस, ग्रैंड पा को रहने देते, अभी ग्रैनी निपट चुकी है। अभी चलते सीधा टेडी को उठा लेते और दोबारा से चलते ऊपर के कमरे में। लिफ्ट से मुझे बेटर लगेगा इस टेडी को ऊपर पहुंचाने में। अभी चलते सीधा सीधा लिफ्ट के रास्ते की तरफ। ओ गाइस, ग्रैंड पा तो आया, बहुत अच्छी बात है। अभी हम जाएंगे सामने की तरफ, सामने हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रैंड पा की स्पीड इतनी भी नहीं कि हमें ओवरटेक कर सके। सो गाइस, अब मैं अब जाऊंगा इस सीढ़ियों से ऊपर की तरफ, ये काफ़ी तकलीफ़ देता है, कुछ आसान रास्ता होना चाहिए गाइस, इसी वजह से लिफ्ट इज़ बेटर। सो गाइस, अब हम आ चुके ऊपर की तरफ, यहाँ से मैं जंप मार देता हूँ। ये पालने में ये टेडी को डाल देंगे, अभी स्लेंड्रिना गॉन हो जाएगी, ये मैं इसको डाल देता हूँ। स्लेंड्रिना बाय बाय, दोबारा नहीं मिलना, बिल्कुल डरा देती तू शैतान की गुड़िया। सो गाइस, ये गायब हो चुकी है, और ये कौन सी की दी है उसने, ओ गाइस ये सेप की है, कोई बात नहीं, सेप की तो मिली, देखते सेप की के अंदर हमें शेड की मिल जाए बस, और कोई और कुछ नहीं होना, हमें वही चाहिए एस्केप करने के लिए। सो गाइस, अब मैं घूम के जाऊँगा, डायरेक्ट मुड़ेंगे तो कोई ना कोई तो हमें पकड़ ही लेगा। ओ गाइस, ग्रैंडपा ने हमें देख लिया है, मैं थोड़ी देर यहाँ पर चुप जाता हूँ। ग्रैंडपा पीछे यहाँ पर ना आइयो, कोई नहीं यहाँ पे, बाय बाय ग्रैंडपा, कोई नहीं है, ग्रैनी नीचे बुला रही है आपको, खाना खा लो। सो गाइस, ग्रैंडपा चले गए, शायद मुझे जल्दी से सेफ खोल लेना चाहिए, और उसमें से शेड की मिले, बस बस मुझे सिर्फ शेड की ही चाहिए। सो गाइस, इसको मैं खोल लेता हूँ, और शेड की मिल चुके, अभी जल्दी से भाग जाते लिफ्ट में बैठकर, और जाएंगे सीधा शेड रूम को खोल लेंगे। सो गाइस, इस यहाँ से मैं जंप मार देता हूँ, अभी ग्रैनी ना नीचे हो, बस ग्रैनी, ओके ग्रैनी भी नहीं है यहाँ पे, अभी जल्दी से यहाँ से पास में है शेड रूम, इस ताले को हम खोल लेंगे। इसको मैंने खोल लिया, और सामने और एक ड्रॉर है, यहाँ पर ट्रेन की पड़ी हुई है, मगर कोई बात नहीं, हमें और केबल भी पास में है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, सब सामान लग चुका है। ये मैंने इसको वायर को लगा दिया, अभी करते हैं जनरेटर को स्टार्ट, और ग्रैनी ग्रैंडपा बाय बाय। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस, अभी हम भाग चुके हैं, बाय बाय ग्रैनी, बाय बाय ग्रैंडपा। ओ गाइस, देखिए कितनी शानदार तरीके से हमने एस्केप कर लिया है। ओ गाइस, ये तो अभी भी खुला नहीं है, हमें फिर से उस मशीन का बटन दबाना पड़ेगा। ओ यार, ग्रैनी प्लीज चली जाइयो, यहाँ पर मत देखना। सो फ्रेंड, हमें सिर्फ वो बटन ही दबाना है, और हमारा एस्केप कंप्लीट हो जाएगा, हमें एक भी दिन अभी तक गवाया नहीं है। सो गाइस, काफ़ी अच्छी तरह से हमने ग्रैनी ग्रैंडपा को संभाला। सो फ्रेंड, अब जाएंगे अंदर, ग्रैंडपा फिर से बाहर आ रहा है, आ जाओ ग्रैंडपा, आ जाओ, पकड़ के दिखाओ, नहीं पकड़ सकते, जाओ भाग जाओ यहाँ से। मैंने अपना स्लिंग शॉट कहाँ पर ड्रॉप किया था, ओ गाइस यहाँ पर सीढ़ियों की तरफ है, आ जाओ ग्रैंडपा, अभी कर लेते वन बाय वन। ओ गाइस, मैंने ग्रैंडपा को ये कर दिया बेहोश, अभी चलते बटन दबाने के लिए। ग्रैनी, अरे ग्रैनी, ओ गाइस, मैंने अपना एक दिन गवाही दिया, कहा सोच रहा था सिर्फ एक दिन में एस्केप कर लेंगे, मगर ग्रैनी हमारा मिशन पर पानी फेर दिया है, मगर हमने भी बहुत जल्दी की, हमें देख कर आगे बढ़ना चाहिए था, कोई बात नहीं, अभी दोबारा से इस ताले को खोल देंगे। सो गाइस, सिर्फ हमें वो मशीन का बटन दबाना है, और हमारा एस्केप डन, अभी काफ़ी संभल कर आगे बढ़ेंगे। ग्रैनी ग्रैंडपा, ऊपर मत रहना, नीचे जाओ,
अपनी गाड़ी में कहीं घूम कर आओ। सो गाइस ग्रैनी ग्रैंडपा फिलहाल मुझे नहीं दिख रहे, अभी हम चलते ऊपर की तरफ। मैंने अपने स्लिंग शॉट को यही ड्रॉप किया है, इसको मैं उठा लूँगा। अब जाएंगे सीधा ऊपर मशीन की ओर और मशीन का बटन दबा देंगे और यहाँ से 9:11 हो जाएंगे। ये मैंने बटन दबा दिया, हरा लाइट जल चुका है, इसका मतलब हमारा गेट ओपन हो चुका है। मुझे जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, लिफ्ट में से हम ही काफ़ी नज़दीक गिरेगा और ग्रैनी ग्रैंडपा का कोई खतरा भी नहीं होगा। सो गाइस यहाँ से झुक कर मैं आ चुके ग्राउंड फ्लोर की ओर, काफ़ी संभल कर बाहर से निकलेंगे, ग्रैनी ग्रैंडपा ना मिल जाए। सो गाइस अब मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ, अभी काफ़ी एक्साइटेड हूँ, एस्केप मैंने कंप्लीट कर ही लिया। सो गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओ गाइस ग्रैंडपा, और इसने बंदूक तान दिए और गोली भी चला दिए। ग्रैंडपा मुझसे पंगे मत लिया कर, तू वन बाय वन कर लिया ना, हार गया तू। ओ गाइस इसकी शॉटगन, इसके अंदर एमो नहीं है, कोई बात नहीं, मैं इसको ले ही जाऊँगा। ग्रैंडपा तुम्हारी बंदूक लेके मैं भाग रहा हूँ, अभी रहो बिना बंदूक के। सो गाइस टाटा बाय बाय, दोबारा फिर मिलेंगे अगले गेम प्ले वीडियो में। सो गाइस देखे ग्रैनी ग्रैंडपा का पूरा मुंह ही उतर चुका है, हम उनके घर से ब्रिज एस्केप कर ही लिया है। स्लेंडरीना भी आ चुकी है और वो भी हक्की बक्की रह चुकी है।